तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे 9 और धूप हो रही बहुत गंदी। आप जाके देखेंगे तो बहुत गंदी हो रही। मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अभी तो जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए। फिर मेरे को नहाने के बाद जाना है लंच पे। किसी फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं तो उनके साथ जाना है। तो उनको छोड़ने जाऊँ तो वहाँ से नियर बाय चाची के घर है मेरे, तो वहाँ जा सकता हूँ मैं। तो सारे दिन आज ब्लॉग वहीं बनेगा। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मैं लॉकडाउन के बाद अब आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। लॉकडाउन में लास्ट टाइम मिले थे हम, उसके बाद देखते बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद मिले हम। फ्रेंड्स, और जस्ट अभी पियोन से की कॉल आई थी, वो कह रही मुझे बाल कटवाना है तो मुझे बाहर मार्केट में मिल जाना। तो वहीं से कह रही, वहीं से लंच करके, तो शायद से आज चाची के यहाँ के बोला ही था मैंने आपको पहले, चाची के यहाँ जा सकता हूँ, उसको छोड़ने जाऊँगा। तो वहाँ से नियर बाई है चाची के घर भी, तो मैं वहाँ पर मिलता हूँ फिर आपको। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गया मार्केट जाने के लिए। रास्ते में हूँ अभी, तो अभी बहुत धूप हो रही है, मन भी नहीं कर रहा जाने का, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। मैं तो मर गया, मार देगी पागल सी मुझे, तो जाना पड़ेगा अभी। तो रास्ते में घर से निकला ही हूँ अभी, घर से कलोनी के बाहर ही पहुँचा हूँ। तो ये मेन रोड पर पहुँच रहे हैं अभी, रिक्शा करते हैं यहाँ से, रिक्शा करके फिर मार्केट में उसको मिलना। वो वहाँ से पहुँच चुकी हो, तो उसके बाद पहले बाल कटवाने उसको, उसके बाद फिर लंच करना। लंच करके शायद से उसी के साथ घूमना पड़ जाए, क्या पता घूमने जाना पड़ जाए इधर उधर। तो वहाँ से शायद इतना तो है सर, चाची के यहाँ जाना ज़रूरी, जा सकता हूँ, कन्फर्म ही है जान। तो मिलता हूँ उसके बाद जाके। मैं तो मार्केट में पहुँच गया हूँ, मार्केट अभी तो मार्केट पूरी खुली खुली, तो मैं धूप हो रही है पागल से, पता नहीं धूप के मैं कहाँ घूमा रही है। कह रही हबीब का आ जाना, तो अभी हबीब पे जा रहा हूँ मैं, तो मिलता हूँ। कि मेरा मोटू है और ये मेरी ये होने वाली बीबी है, तो मैं बाद में हो ही जाएगी जब भी, पता नहीं होगी कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम आए क्यूटीज में खाने पे, लंच पे आए हैं यहाँ पे भी मज़े मारने के लिए। बहुत दिनों के बाद आए हम लंच पे यहाँ पे क्यूटीज में। खाना बहुत अच्छा है यहाँ का क्यूटीज का, खाना कभी लाजपत नगर में क्यूटीज है हर महीने पे, बहुत सही खाना भाई। देखो ये मेरी फियांसे है, ये उसकी फ्रेंड है, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं भाई, अभी तो ऑर्डर ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या करने वाले ऑर्डर। मैं मेरा तो एक स्पेशल है मोमोज, मैं मम्मी जी से बात कर रही है अभी मेरी। फाइनली गाइस, हमने अपना लंच पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे मार्केट घूमने, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, हमें थोड़ा बहुत सामान लेना है, ठीक है। फाइनली ये है ये मार्केट, मार्केट तो आपको मिलता है मार्केट में। पहले मास्क लगा ले, वरना हमारा 2000 का चालान कट सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे मास्क लगाएं और वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं। अभी खा रहे हैं हम आइसक्रीम, उसका जगह मेरी वीडियो बना रही है। ये देखो मोगली, इसको सबसे ज्यादा जल्दी हो रही है भागने। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे मैकडोनल्ड से बाहर आ गए, हमने आइसक्रीम खा ली है। तो अभी हम वी मार्ट पे घूम रहे हैं, बस घूम ही रहे हैं अभी वी मार्ट में भाई। बस ये अभी पानी भरने गया है, देखते हैं। मेरा मोटा था, हमें पता नहीं छुपा रहा, देखो मेरे से मेरा मोटा, इसको देखो। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में, ठीक है, इसको छोड़ के मैं चाची के यहाँ जा रहा हूँ। देन आधे रास्ते में हम शायद से कहीं और मज़े मार सकते हैं, कुछ पता नहीं है अभी हमारा। तो गाइस, अभी हम रिचार्ज कर रहे हैं मेट्रो कार्ड, तो इसने तो कर लिया अपना रिचार्ज, अब मेरा भी कर रही है। मेरी कज़न, ये मेरी बहन बात कर रही है। 500 का हो गया तुम्हारा, मैं 500 का गधी। तो मैडम जी ने गलती से 500 का रिचार्ज कर दिया मेरा, यहाँ पोपट नुकसान होते हुए 400 रुपये का, मैंने अपना रिचार्ज करने की जगह इसका रिचार्ज कर दिया 500 का। बताओ मैं उस 500 रुपये का क्या करूँगा भाई, मैं मेट्रो में जाता नहीं।
अभी का आता है आता नहीं, घर पर पड़ा रहता हूँ, 500 रुपये का क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अब हो गया हो गया, देखते हैं। मेरा कुछ भी नहीं गया, इसका 400 रुपये का नुकसान क्या गया मेरा तला। नहीं नहीं, हम वसूल कर लेंगे वो 400 रुपये। एनएसपी में, एनएसपी पे हूँ मैं अभी, भाई का वेट कर रहा हूँ। एनएसपी पे भाई का फ़ोन किया था मैंने, कज़न को चाची के यहाँ जा रहा था, तो सब छोटे भाई को मैंने फ़ोन किया था कि मुझे पिक कर लें एनएसपी से। तो अभी एनएसपी पे हूँ, अभी वो भी मार्केट आ रहा है एनएसपी मार्केट। कैसे यहाँ का ना पास्ता बहुत फेमस है, फैमिले पास्ता, यहाँ आना कभी पास्ता पूछना, पास्ता मार्केट तो वहाँ पर बहुत फेमस है पास्ता यहाँ का, तो आके पास्ता ज़रूर खाना यहाँ पर, बहुत अच्छा है। गाइस ये टीवी टावर है एनएसपी में, टीवी टावर। ये देखो गाय माता हमारी। तो गाय से भी चाची का फोन आया है, ठीक है गाय। तो शुभम के फोन पे, मेरे कजन के फोन पे फोन आया है चाची का, तो मैंने फोन उठा के बात करी तो चाची उसको गाली दे रही है, हरामखोर पढ़ ले, ऑफिस का काम कर ले, ऑफिस आ जा, ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, काम नहीं है तुझे ऑफिस का, ऑफिस नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, उसको गाली दे रही। पर चाची को ये नहीं पता कि मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते घर जाके चाची का रिएक्शन क्या है। तो गाइस ये कॉलोनी है भाई की, मतलब चाची की, ये कॉलोनी है पूरी आगे से। हम घर पे पहुंच चुके हैं, अभी हम रिएक्शन देखते हैं चाची का, चाची क्या बोलती है। ऊपर जाके अभी हम ऊपर जा रहे हैं, बस बाइक पार्किंग में कर दी हमने, अभी चाची का रिएक्शन देखते हैं चाची क्या बोलती है अभी। ये मेरा भाई है, ठीक है भाई ने मासा सा लगा रखा, अभी भी घर के पास शकल भी गंदी से दिख नहीं रही। अरे शकल दिखा दे अपनी, शकल दिखाने, शकल बॉडी मेरी, शकल आपको अंदर जाके दिखेगी। चलो चाची का रिएक्शन देखते हैं। बैक कैमरा बाय। तो ये है, ये हमारी चाची है। तो गाली किसको दे रहे थे आपको यही नहीं पता, बात बब्बू कर रहा था, गाली से मर रही थी। गाइस ये फोन पे बैठे रहते पूरा दिन, पूरा दिन इनको देखो। अरे जुगाड़ देखो भाई, जुगाड़ इसका, इनका जुगाड़ देखो। ये देखा पाउडर के डब्बे पे ये चार्जर है, ये लीड, स्पेशली लीड निकल रही है, और ये फुल फुल यूट्यूबर बन रही है, ये आने वाले यूट्यूबर है, इनको आप देख सकते हो आगे। तो गाइस चाची बना रही है पालक पनीर, तेल डाल दिया है, अब ये मसाला कूट रहे, स्पेशल मसाला चाची मेरे लिए स्पेशली बनाया भाई, मेरे लिए स्पेशली। तो गाइस यहाँ पे मेरा ही ब्लॉग चल रहा है, अभी देखिए मेरा ही ब्लॉग चल रहा है, क्या यार फेमस बना रहे मेरे चाचा लोग, मुझको मजा आ गया। दोस्तों बस बब्बू का यूट्यूब हैक हो चुका है, यहाँ पे गोलगप्पे, ये आलू, ये लाल चटनी, और ये पानी जो कुछ ज़्यादा ही हरा लग रहा है वीडियो में।
गाइस हम तो सोने जा रहे थे बट भाई की नाइट शिफ्ट है, अब क्या कर सकते, क्या करें, घुमा ले। तो गाइस डिनर हो चुका है हमारा और कल पतंग उड़ाने क्या गए थे, पतंग उड़ा ही नहीं पाए ढंग से क्योंकि भाई जैसे पतंग उड़ाने गए तूफान सा आ गया, मिट्टी मिट्टी। उसके बाद बुआ जी का फ़ोन आया, फिर देन मामा जी का फ़ोन आया तो पिक कर लो मुझे, तो पिक करते करते आए ही थे वहाँ पे, 9 बजे करीब पहुँचे थे वहाँ मामा जी के ऑफिस में। वहाँ से फिर मामा जी का कोई क्लाइंट उनसे बात कर रहे थे तो बजते बजते 10 बज गए। फिर 10 बजे वहाँ से निकले, घर पहुँचते खाना खाते खाते 11 बज गए, तो थक गया था उसके बाद, तो सुबह लेट उठा, तो क्या ही बोले अब। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि अभी भी थक गया, क्योंकि मार्केट से आया था सुबह भी, मार्केट पे उनसे के साथ था, पूरे मार्केट ही घुमाए उसने भी, पता ही है आपको लड़कियों को घुमाती पूरे, तो घुमा ही दिया उसने पूरा मार्केट। तो अब तक थक चुका हूँ तो मैं इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।